आज हमारा ये था कि आज हमने इसको जगह को क्लियर करना था, इसको फाइनल करना था, और इसलिए हमने एक एक कमरे में जाके इसको ढूंढना शुरू करा। ढूंढना शुरू करने के बाद जो है, जो जो हम जगह क्लियर करते जा रहे थे वहाँ चटकनी लगाते जा रहे थे, और हमारी ये कोशिश थी कि हम इसको जाल में पकड़ें या इसको ट्रैंकुलाइज करें। लेकिन एक मौका ऐसा आया करीब करीब बिल्कुल लास्ट में, जब हमें ये लगने लगा कि हमने पूरा इलाका छान लिया, सिर्फ मुझे लग रहा था 10% बचा हुआ इलाका, तो ये एक जगह छिपा था, और वहाँ से छिपा होकर जैसे ही हम वहाँ से गुजरे हैं तो इसने सीधे जो है अटैक करा। अटैक करने के बाद इसके ट्रैंकुलाइजिंग जैसे शॉट मारा, डार्ट इसके मारा, डार्ट लगने ही कुछ टाइम लेता है बेहोश होने में, लेकिन इसका क्या हुआ कि क्योंकि छोटी सी जगह थी, जैसे इसके डार्ट लगा इसने सीधे जो है हमारी तरफ इस पर अटैक करा। जैसे इसने अटैक करा, अजहर खान उसके सबसे पहले थे, तो पहली गोली इन्होंने मारी, दूसरी गोली मैंने उसके मारी, तो मजबूरी में हमें इसे मारना पड़ा, जिसका कि हमें अफसोस भी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस गुलदार के यहाँ पे आने का कारण ये है कि इसके गले में एक फंदा लगा है, और ये बिल्कुल असहाय था, और मुझे लगता है ये काफ़ी दिन से भूखा भी था, और ये बाहर ये सरवाइव नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये यहाँ पे डर से और भूख से आके एक शेल्टर के यहाँ। ये तो सर सुबह हमने उसको जो है दो दिन से मैंने ओपन जो है एक फ्री पासिस देने का प्रयास किया गया, हमने जो है लाइव बेड भी लगाया था उसमें, कल जो है चार पिंजरे भी लगाए थे उसमें, और चार पिंजरा लगाया था तो फिर भी वो जो है नहीं निकला। तो जैसा कि अभी देखा गया है कि उसके गले में फंदा है, क्लच वायर कहीं फंसा है, और इंजर्ड था तो वो जो है मेरे ख्याल में कूदने की स्थिति में नहीं था, तो इसलिए उसने देखा कहीं ना कहीं जो है उसने देखा कि छुपने की जगह देखा। जैसे हमारा आदमी सर्च करते करते आज इंड में पहुँचे तो एकदम उसको अटैकिंग की स्टेज में आए, तो फाइनली हमें जो है एक दो लास्ट मोमेंट जो हम चॉइस ऑप्शन बहुत लिस्ट रखते हैं उसको हमने यूज़ करना पड़ा।